एलविश कॉन्ग्रेचुलेशंस, बिग बॉस जीत गए, फर्स्ट वाइल्ड कार्ड टू विन द बिग बॉस, कैसे लग रहा है? बहुत अलग फील आ रहा, बहुत अनरियल। मैं सलमान भाई से मिला, पहली बार मिला, तो वो भी काफी नया एक्सपीरियंस था मेरे लिए। बाकी मैंने पहले सोचा था कि वाइल्ड कार्ड शायद नहीं जीतते, बट अब मैं जीत गया। और मैं जब वापस आ रहा था तो मैं कह रहा था यार एक बार मुझे कोई जगह तो नहीं देगा, कि ये सपना चल रहा है कभी और मैं बेड से उठूं और ये दोबारा करना पड़े मुझे और मैं ना जीतूं शायद। तो काफी अनरियल और बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस। शायद दोबारा करना पड़ेगा क्योंकि ये बातचीत हो रही है कि जो भी ये जीतेगा वो बड़े घर में, बिग बॉस के घर में जाएगा, तो क्या तैयार है आप वो घर के लिए? नॉट दिस टाइम, क्योंकि अभी मुझे थोड़ा रेस्ट चाहिए। मैं एक महीना मेरे लिए काफी ज्यादा हो गया, वो तो फिर भी 3-4 महीने का शो होता है। करेंगे, बिल्कुल करेंगे, बट नॉट दिस टाइम। आपके फैंस ने आपको जिताया है, काफी सारे फैंस है, बट एट द सेम टाइम यू नो एक बिग बॉस का जो वीकेंड का वार जो शो होता है उस टाइम पे सलमान जी ने आपको थोड़ा रिप्रमांड किया था और काफी सारे थ्रेट्स भी आ गए थे सलमान जी को आपके फैंस से, तो आप क्या कहना चाहते हो उसको? नहीं, मुझे इस बारे में कोई आइडिया नहीं कि कोई थ्रेट वगैरह आया, बट सलमान भाई ने मुझे समझाया बहुत प्यार से, अपना छोटा भाई समझ के समझाया, जो कि मैं समझा भी कि जो चीज़ गलत है उसको मान लो और उसको ठीक करने का कोशिश करो। तो ऐसा उनने कुछ गलत नहीं बोला, सलमान भाई ने बहुत प्यार से समझाया। कुछ फैंस को मैसेज देना चाहेंगे जो जिसने ऐसे थ्रेट या वो किया? जिन्होंने थ्रेट्स दिया है, यार थ्रेट चाहे सलमान भाई को मिले आप किसी को भी मिले, बहुत गलत बात है। अगर मेरी तरफ से मेरे फैंस अगर ये सब कर रहे हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगा कि मेरी तरफ से किसी को भी थ्रेट जाए। तो जिन्होंने भी दिया भाई वापस ले लो यार अपनी थ्रेट। आप और अभिषेक दो फाइनल टू कंटेस्टेंट्स थे, कैसा रिश्ता रहा उसके साथ, क्योंकि काफ़ी सारी अनबन भी होती रही थी घर के अंदर, तो क्या कहना चाहेंगे अभिषेक और आपके रिश्ते के बारे में? घर में बहुत सारी अनबन हुई बट मेरी और अभिषेक की कभी अनबन नहीं हुई, जो भी था हमारा म्यूचुअली भाईचारे में बहुत अच्छा चला और पहले भी था, बीच घर के एंड होते होते भी रहा और होपफुली आगे भी रहेगा। क्या करेंगे अब, यू नो वंस यू आर आउट ऑफ द हाउस, आप एक महीना थे इसके अंदर, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट यू वुड वांट टू डू? मैंने जो चीज़ मिस करी, मुझे ऐसा लगता मैं काम में काफ़ी बिजी रहता था तो इसलिए घर वालों को टाइम नहीं दे पाता था, बट मुझे अब समझ आया कि घर वाले बहुत ज़रूरी हैं, तो मैं काम को थोड़ा कम करके अपने पेरेंट्स को टाइम दूंगा काफ़ी ज़्यादा। और किस किस के साथ आप रिश्ता बनाए रखेंगे घर के अंदर से जो बाहर आए उसके साथ? मैं ऐसे तो कोई किसी के साथ बुरे टर्म पे मैं एंड नहीं हुआ, बट पूजा जी के साथ, मनीषा और अभिषेक के साथ मैं रहूँगा जब तक वो चाहें। फाइनल आपको फैंस के लिए क्या मैसेज है जिसने आपको पूरे जर्नी में सपोर्ट किया है, जो अभी भी बाहर आपके लिए वेट कर रहे हैं? मैं मेरे पे शब्द नहीं है कि क्योंकि मैंने ये सब एक्सपेक्ट ही नहीं करा था कि लोग इतना प्यार कर सकते, इतना सपोर्ट कर सकते, तो इतने प्यार की मुझे आदत नहीं थी, बट अब शायद आदत डाल लूंगा मैं। और सबको बहुत सारा प्यार, बहुत सारा थैंक यू और हाथ जोड़ के थैंक यू सो मच जो आप लोगों ने इतना प्यार दिखाया। यू गाइज आर लव।